आगे काम करना है। तो इसे कैसे अब आगे बढ़ना है, कैसे शुरू करना है, अब इसकी बात मैं करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन जमीनी स्तर पे काम शुरू करना है, तो इसके विस्तार के लिए क्या रणनीति है, क्या प्रोग्राम है? ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब जो है ये टेलीफोनिक वार्ता, अभी आप एक काम करिए, अभी एक हमारा आज का प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट अभी अपलोड हो रहा है। हाँ, आप उसको बारीकी से सुन लीजिए। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन इतना जल्दी उड़ने वाला है कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए यदि जो क्राइम फ्री भारत से नहीं जुड़ेगा वो उसको कैंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं इसके लिए अपनी सारी ऊर्जा खपाने को तैयार हूं। ओके, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो लेकिन तुम्हारे मिस्टर भट्ट तो बहुत ही फ्रॉड आदमी निकले, वो तो ना फोन उठाते हैं ना बात करते हैं। मैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो अच्छे आदमी है या नहीं? निकाल के अच्छे आदमी है, अपने अच्छा ही अपने पास रखो, ऐसा क्या कर दिया आपने? क्या अच्छे आदमी? नहीं, अच्छे मतलब अच्छी पोस्ट में है। मैंने वो मेंटलिटी इनकी अच्छी थी, मेरी उनकी कई बार इस तरह की बात हुई है जो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी, इस वजह से मैंने उनको जो है इसमें फॉरवर्ड किया। मैंने तो उनकी बातचीत को जो है ना अपलोड किया है, आप उसको सुन सकते हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरे किसी काम का नहीं, तो मुझे उसके चक्कर में अपना समय जाया नहीं करना। आई एग्री विथ यू। समझ रहा है कि नहीं सर? मेरा सीधा सीधा फंडा है, मेरे अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के काम, मेरे राष्ट्र हित के काम में जो मेरे साथ नहीं है, तो फिर मैं उसके साथ कहाँ? नहीं, और सबसे बड़ी बात तो दुष्टता है कि आपने कोई बड़ा कमाल तो दिखा नहीं दिया है। क्या कर लिया है बताइए ना, व्हाट इज योर अचीवमेंट? तो अब मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसे एक मजबूती से जमीन पे मैं उतारने के चक्कर में, मैं इसीलिए छुट्टी करके आप एक काम करिए, आप सुनिए सर, एक मिनट। हाँ, मैं छुट्टी लेकर अपने घर पे आ गया हूँ, घर पे यानी मुंबई आ गया हूँ। हाँ, क्योंकि मैं मुंबई ही रहता था, मुंबई वैसे ही काम करता था, तो वो तो मुंबई का प्रोजेक्ट जो है बंद हो गया, तो मेरा ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया। अब चूंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी ये लोग कह रहे हैं काम पे आइए। मैंने कहा साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं काम पे कैसे आऊँ? तो मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ घर। रखना है तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी कोई बात नहीं। और मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि आप 15 रुपए देते हो तो हो सकता है मैं 10 ही रुपए में काम कर लूंगा, लेकिन मैं खाली बैठने वाला आदमी नहीं, मैं मेहनती आदमी। आज अभी जो हमने अभी मिठा से डाउनलोड हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा, आज हमने मैनुअली अपना अवेयरनेस मॉडल जारी कर दिया है मैनुअली, और 3 महीने में जो है वो अवेयरनेस मॉडल जी नहीं मिला दी। मैंने कहा कि 3 महीने में अवेयरनेस मॉडल जो सॉफ्टवेयर के साथ इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, जो आपसे जोड़ना चालू करेगा हमारा सिस्टम उसको मैनुअल अवार्ड आपसे देना चालू करेगा। जी, रिडेम्पशन उसका तब होगा जब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी तो आपको इतना पैसा मिलने वाला है जी, अभी कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मुझे सर 40,000 रुपए दे, 45 पकड़ के चलिए, मतलब खाने पीने का रहने का सारी व्यवस्था होगी। आपको मैं 1,00,000 रुपए पर मंथ की जो है ना तनख्वाह प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन ये रेवेन्यू ड्रिवन होगी, तो आपको रेवेन्यू का मतलब इट इज वर्थ इट, राइट? सर देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, देखो पूरे दिन पूरे दिन जब लोग मेरी ध्यान से बात जी, उसमें रेवेन्यू कैसे मिलेगी उस मॉडल में जो आज मैंने अनाउंसमेंट किया है, टुडे आई हैव इशूड ए प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन जी, जो कि वेल्थ के ऊपर है जी, और हमने उसमें ये भी कहा है कि यदि जो है अपन ये नहीं करेंगे तो चारों तरफ जो है, देखिए 66% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर,
और इसका मतलब है हर 3 में 2 आदमियों को कैंसर होगा जी। तो 2 आदमी को अटेंड करने के लिए तीसरा आदमी थक जाएगा जी। तो आपकी 100% पॉपुलेशन जो है इधर सफरिंग फ्रॉम कैंसर और अटेंडिंग कैंसर पेशेंट जी। हम कैसे भारत में होंगे जी, हमारी जिंदगी क्या होगी जी। मौत का डर हमेशा आपने जो है ना जेहन में घूम रहा होगा जी। रेडिएशन कीमोथेरापी से हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी होगी, बरुखरी हो गई होगी और हमारे मन मस्तक में मरने का खौफ जो है ना वो 24 घंटे घूमेगा जी। यस और नो जी। तो यदि आप जो है क्राइम फ्री भारत के जो एग्रो मॉडल पे जाएंगे तो 4 साल में कैंसर जमीन से विलोपित हो जाएगा जी। जी विलोपित हो जाएगा। एक्चुअली में कैंसर कोई चीज है ही नहीं, कैंसर इज अ रिवोल्ट ऑफ योर सेल अगेंस्ट योर सेल, राइट जी। आपकी सेल आपके प्रति विद्रोह कर रही है जी, वो मलाइन हो गई है और ओवर ग्रो करने लगी है। यही कैंसर की डेफिनेशन है। चेस्ट की कोई डेफिनेशन है क्या जी? नहीं, डेफिनेशन ये है कि नहीं है जी। जी 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 बिल्कुल 200% है जी। जी जी ठीक है ना जी। तो आपकी जो ऑटोनोमस डिसीज है उनकी क्या डेफिनेशन है? जब आपकी सेल इतनी कंफ्यूज हो जाए कि वो अपनी ही सेल को मारने लगे तो ऐसी डिसीजेज को हम कहते हैं ऑटोनोमस डिसीज। बराबर बराबर। तो चाहे ऑटोनोमस डिसीज हो चाहे कैंसर हो, इट इज लार्जली रिवोल्ट ऑफ योर सेल, योर सेल अगेंस्ट योर सेल, राइट जी। जी जी। तो यदि हमने इस नेचर को और ज्यादा प्रताड़ित किया जी, तो कैंसर हो जाएगा, पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल नहीं होगा जी। जी। सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा अवेलेबल नहीं होगा जी। जी जी। तो ये केवल जो है ना केवल वेल्थ की बात नहीं है, ये भारत को स्वर्ग में कन्वर्ट करने की जो है ना एक विधा होगी जी। जी जी। जहाँ पे वैदिक कल्चर को भी रिवाइव किया जाएगा। सो वैदिक कल्चर विद द मॉडर्निज्म एंड विद यूज ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग एंड वुड डिस्कवर एंड वुड सरफेस इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में भी जो टेक्नोलॉजी विकसित होंगी जी, वो भी भारत में ही होंगी जी, जी। और वैदिक चीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ स्वर्ग रूपी संसार में भारत जो है ना एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा जी। जी। यहाँ धन मन जो ये जितने भी दुष्टता कर रहे हैं ये दुष्टता अपने आप विलोपित हो जाएगी जी। जी जी सर। और दुष्टता करने के लिए किसी के पास स्कोप ही नहीं रहेगा। तो क्रिमिनल को जैसे क्राइम करने के लिए स्कोप नहीं रहेगा, ऐसे ही बाकी लोगों को अपनी नेगेटिविटी डिस्प्ले करने का स्कोप नहीं रहेगा जी। अब जब आप नेगेटिविटी का काम ही नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे जो है ना आपका स्वभाव कहते हैं कई दिन में बदल जाता है और 90 दिन में तो रीइन्फोर्स हो जाता है जी। तो आप भले अच्छे लोग हो ही जाएंगे ना जी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्टेटस का हो जी। जैसे चुम्बक के संपर्क में कोई भी धातु का जो है ना लोहे का कण आता है तो वो अलाइन होके चुम्बकीय गुण हासिल कर लेता है जी। ऐसे ही इसमें जो भी इससे अलाइन होगा वो चुम्बकीय गुण हासिल कर लेगा जी। जी, जी। जी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी जो प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट मैंने आज ही जारी किया है अभी वो अपलोड नहीं हुआ है, इट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग अपलोड, उसको जो है ना आप पहले अच्छे ढंग से समझिए 2-3-4 बार, राइट ठीक है। और इसके बाद जो है आप उससे फोन करिए कि साहब आपने अच्छे ढंग से समझ लिया, फिर हम आपके साथ एक टीम में जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर के तहत हम आपसे बात करेंगे ठीक है सर। क्लियर ठीक। कोई इशू
ना ना कोई भी इशू नहीं सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है आपको जानकारी देना बहुत जरूरी मैं समझ रहा हूँ कि इस समय जो ये भारतीय जन मोर्चा पार्टी का जो एमपी ग्रुप है, इसमें मोस्टली जो पदाधिकारी हैं बिहार के या और जो दो एक लोगों को छोड़ करके, उसमें सब मेरे ही जोड़े हुए व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं नहीं? और चूंकि मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर त्रिपाठी जी को कोई नहीं जानता था, जो इनका विस्तार यूपी में हुआ है ना, उसमें मोस्टली जो है इनके अपने ही लोग थे, रिश्तेदार या लगे सगे, लेकिन बाकी जो लोगों को अभी जोड़ रहे हैं, या जैसे राजभूषण पांडे हुए, राजभूषण पांडे जो है गायत्री परिवार के जो संचालक है छपरा बिहार से, बाबू ओंकार नाथ शर्मा उनके भांजे हैं राजभूषण पांडे जी, और उनसे मैं जुड़ा हूं, तो मैंने ही उनका नंबर वगैरह उनको प्रोवाइड किया था। हाँ, तो अब मेरी बात है कि अब मैं अपने लोगों को अपने सीएफबी का प्रचार और प्रसार और जमीन पर उतारने की सोच रहा हूँ। आप वो कोई जमीन पर उतारने की चिंता ना करे, पूरी स्कीम में अपना रोल कहाँ देख रहा है वो एक रोल को अडॉप्ट करे, और जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे जैसे ही लोग जो है ना, तो आप ब्रीफ भी करिए, और ब्रीफ करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए जी तो रिवनी स्ट्रीम भी लीजिए ना, धन तत्काल साथ में आएगा। जी जी, तो वही सर, अब मेरा मतलब कहने का कि अब मुझे जो है पूरे भारत में फैल जाना है, समझ रहे हैं नहीं? क्योंकि मैं आपको एक बात ये बताइए मुझे, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ जी, यदि हम नहीं बदले तो पूरी पॉपुलेशन कैसे कैंसर की चपेट में आएगी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जी जी जी, तो और दूसरे में हमने कहा कि सब चीजें अमृत जैसी हो जाएगी, राइट जी, जी। आपके जो है दूध अमृत जैसा, फल अमृत जैसा, दूध का गोबर अमृत जैसा, छोटे दूध को तो मतलब उसको दूध को तो छोड़ दीजिए, दूध का गोबर भी अमृत जैसा, उसका मूत्र भी अमृत जैसा, पानी का जो लेवल अभी जो है ना आपका 400-500 हजार फीट नीचे चला गया, वो उठ के जो है ना 8 फीट पे आ जाएगा। जी जी जी, आपका जो है इतने सारे पेड़ लगेंगे जी लाखों करोड़ों में, राइट जी जी सर, तो जी आपके ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा। जी जी जी, राइट जी, आपको कोई जी, ग्रीन ट्रिब्यूनल और ग्रीन व्रीन ये सब बातें वाले जो इम्पैक्ट असेसमेंट और फालतू के ड्रामा नाटक है जो पैसे लेके सब इम्पैक्ट जो है ना क्लियरेंस दे देते हैं, ग्राउंड पे तो चीजें नहीं इम्प्रूव हो रही हैं। जी जी जी, तो सिस्टम में दुष्टता बहुत है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि जो डिपार्टमेंट जिस चीज को रोकने के लिए बना है वही उसको जो है ना, जो उसकी जिम्मेवारी है उसका उल्टा काम थोड़े धन के लिए करता है, और वो उन गतिविधियों को, नेगेटिव गतिविधियों को संरक्षण देता है। जी जी, ये चारों तरफ यही नहीं हो रहा है क्या? जी जी, इसका मतलब है कि सरकारी तंत्र के तहत अच्छी चीज होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज को रोकने के लिए, जिस चीज को नियंत्रित करने के लिए उन्हें बनाया गया है, वो रेंट सीकिंग बिहेवियर के लिए थोड़े से धन के लालच में उसी को प्रोटेक्शन देने लग जाता है। और सर आपको एक बात बताऊं, हाँ, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं आज हमारा एक बात आपको, मैं हमारा आशीर्वाद जो है ना, मैं 545 आदरणीय मैथिली शरण गुप्ता बना करके रहूंगा, आज नहीं तो आज के 5 साल बाद, लेकिन आप बस ईश्वर आपको ऐसे स्वास्थ्य मस्त सुरक्षित बनाए रखे, बाकी मैं अपनी सारी ऊर्जा झोंक दूंगा इतने ढेर सारे कर, हम एक अच्छे वैदिक भारत का निर्माण करें जहाँ पर हर चीज अमृत तुल्य हो, जहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहें, जहाँ पे की वातावरण पॉजिटिव हो, जहाँ पे लोगों की सोच अच्छा हो, जहाँ पे षड्यंत्र ना हो,
जी 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 सर, इसीलिए कह रहा हूँ भगवान और भगवान श्री राम की शक्ति आपको मिलती रहे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद आते रहे, बस आप ऐसे ही हमको गाइड करते रहे, बाकी तो सब अपने आप बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं सर। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज तक जिसको मैंने अपनी जबान से कह दिया है वो हुआ है सर, वो हुआ है, इस बात को आप मान लीजिए, वो हुआ है सर। आपके मुंह में फिर से घी सकता। आपको एक बात बताता हूँ, आप इस बात को डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी से पूछिएगा, भारतीय जनमोर्चा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो है कुलदीप चाहर था, और एक जो है व्यक्ति था इनकी पार्टी में, इन्होंने जोड़ा तो मुझसे बहुत जलता था, वो अपने मर्जी का मतलब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना देना, अलग अलग लोगों को बिना जानकारी के जोड़ देना, तो मैं और गलत सलत चीजें, मैं उससे पूछा कि आप जिस तरह से चीजें अलग अलग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, कम से कम लोगों को विश्वास में तो लिया करो। तो उसको लगा कि ये मेरे ऊपर फाउंडेशन कर रहे हैं, उसने ऐसी साजिश रची कि मेरा और त्रिपाठी जी से थोड़ी सी बीच में मनमुटाव हो गया था। आपको तो सही बात बता रहा हूँ। अब मैंने डॉक्टर त्रिपाठी जी से कहा था ये आदमी आपके लिए आज नहीं तो आपकी पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगा। आज डेढ़ दो महीना हुआ उसको इन्होंने खुद ही निकाल दिया, यानी जो मैंने कहा था तय हुआ। कुलदीप चाहर जी मतलब मुझे भी निकाल दिया था बीच में, आपको सही बात बता रहा, और कुलदीप चाहर जी खुद निकल गए। तो कुलदीप चाहर जी को मैंने कहा था आप चुनाव की तैयारी करिए, आप चुनाव जीतोगे। वो बंदा बीजेपी ज्वाइन किया और उसकी महिला सीट हुई तो उसकी पत्नी को बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य का टिकट मिला और जीत गई चुनाव। ये अभी जो अभी चुनाव हुआ डेढ़ दो महीना पहले, तीन महीना पहले, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव। सर और आपको एक बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री है ये सुरेश पाती, स्वतंत्र प्रभार का, स्किल डेवलपमेंट का मंत्री है। ओके। सुरेश पाती अमेठी का जिला पंचायत सदस्य था बीएसपी का, समझ रहे हैं, बसपा से। मेरी उनकी बड़ी अच्छी बात होती थी, अगर मैं फोन करता था तो कहते थे गुरुजी प्रणाम, उनका यही होता था पहले, हालो नहीं सीधे गुरुजी प्रणाम। इसके बाद ऐसे मेरे मुंह से निकला कि यार आप बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तो बोले ज्वाइन कर लूंगा तो क्या टिकट मुझे मिल जाएगा। ये 2017 की बात आपको बता रहा हूँ, यानी 2016 के आसपास। तो मैंने कहा आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं बता रहा हूँ टिकट मिल जाएगा। अच्छा, और फिर कैसे चुनाव जीतूंगे, मैंने कहा मैं बताऊंगा चुनाव कैसे जीतोगे। मैंने उसको कहा कि आप जो है ठाकुर ब्राह्मण और हर जात के और दो एक मुस्लिमों की टीम बना लीजिए, ऐसे ऐसे हर लोगों को हर एक क्षेत्र में हर एक गांव में भेजिए कि देखिए भाई हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, और आप चुनाव जीत जाओ। चुनाव जीत गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सर आज तक वो व्यक्ति मेरा फोन नहीं उठाया। दो एक बार बात हुई कि अभी तो सर मीटिंग में तो मीटिंग में फोन क्यों उठाया, उसे क्या जरूरत है भाई, वो जीत गया चुनाव, अब तो हाँ। तो सर मेरे कहने का मतलब कि मेरा जो लक्ष्य है वह आपके द्वारा जो चीजें बताई गई हैं मुझे इतना पसंद है, इतना अच्छा लगा, मैं इसमें पूरी ऊर्जा खपा देना चाह रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप समझ रहे हैं नहीं, मुझे इस समय सीएफबी के अलावा सीएफबी की जो बातें हैं, सीएफबी के जो लक्ष्य हैं, सीएफबी की जो उम्मीदें हैं, सीएफबी का राष्ट्र के प्रति जो एक माहौल और राष्ट्र के स्वास्थ्य, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए जो चीजें करने की एक समाज में लाने की चेष्टा है, उसमें मैं अपनी पूरी ऊर्जा खपाना चाहता हूँ। मुझे इसमें और बाकी कुछ चीजें कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसीलिए मैं इस बार एकदम बिंदास होकर के आया हूँ कि अगर मुझे कहेंगे कि ऐसा है कि 15 दिन बाद अगर मैं गया कि कहेंगे भाई आपके लिए कोई काम नहीं, तो मैं कह दूंगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मुझे कोई काम नहीं चाहिए आपके यहाँ, मैं आया हूँ रिजाइन देने आया हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं सर। और आपको इसके पहले एक दिन मैं चर्चा कर चुका था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं महीने डेढ़ महीने में मैं रिजाइन कर दूं। जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब
आगे बढ़ना है, जमीन पे काम शुरू करना है। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं आपके आपके साथ और आपके आशीर्वाद के साथ। जरूर जरूर जी जी, चलिए ईश्वर से प्रार्थना करिए। सर मैं मेरी जो सुबह होती है सर, आपको मैं बता दूं कि प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधु सिंदूर पूर परिशोभित गंड युगम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि स्मरणायक बृंद वंदन। प्रातः स्मरामि भो भीत महार्तिनाथं नारायणं गरुड़वाहन मद्नाभं ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतु चक्रायुधं तरुणवारिज पत्र नेत्रं। जब मैं पृथ्वी पर भाषा तो मुझे समझ में नहीं आई, अब मैं बता रहा हूँ सर। इसके बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत किस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समसुमे वसुदेव सुतम देवम कंसचाड़ूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम बंदे जगद गुरु। कहने का मतलब सर कि जब मेरी सुबह होती है और मैं पृथ्वी पर अगर अपना पैर रखता हूँ तो उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ कि इस तरह के अपराध को मुझे माफ कीजिएगा। नहीं, विष्णु पत्नी यानी पृथ्वी माता को विष्णु पत्नी कहा गया है, समझ रहे नहीं सर? और आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, अब मैं आपको क्या बताऊंगा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सर 2017 में मेरी एक दुर्घटना हुई है, नहीं तो मैं लगभग 10 भाषाओं का ज्ञाता था, मेमोरी जो है पहले जैसी नहीं रही, नहीं तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, वियतनामीज और ये स्पेनिश, ये इतनी भाषाएं मुझे आती थी। भोजपुरी तो मान लो ये बोनस है, और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और वियतनामीज और स्पेनिश, इतनी भाषाएं मुझे आती थी। लेकिन दुर्घटना जो हुई, मेरी खोपड़ी इंजर्ड कहें या डैमेज कहें, और साक्षात अगर दूसरे शब्दों में कहें कि मर करके जिंदा हुआ हूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सर, और यह सच है सर। मैं आपको अगर भेजूंगा फोटो, आप देखेंगे तब आपको विश्वास होगा कि हाँ ये सही बात है। तो बस पता नहीं क्यों, बस आपका जो लक्ष्य है ईश्वर उसे पूरा करे और बस ऐसे ही बड़ा अच्छा काम हो जाएगा राष्ट्र के हित में। और अभी तो ऐसी आप जैसी तो बात अभी तक किसी के मुंह से सुना ही नहीं था, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है जो आपने लक्ष्य लिया वो मेरा लक्ष्य है। जब से मेरी आपकी बात हुई है मेरे मन में यही चल रहा है। जरूर जरूर जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब कहने का मतलब अपलोड हो जाए तो मुझे उसका लिंक। अच्छा, अब जो है मेरी दूसरी मीटिंग चालू हो रही है तो मैं आपसे कल बात करूंगा, तब तक ये जो है ना आज का प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट में कहा अपलोड हो जाएगा, तो उसे ध्यान से सुनिए, राइट? ठीक है सर, ठीक है। और जब आप उसे सुन लेंगे तो फिर हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक के माध्यम से आप क्या पूछना चाहते हैं, आपके क्या संशय हैं, कैसे आप इसको आगे ले जाएंगे, वो सब आप तब पूछिएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ओके।